भाई जाना तो हमें ऊपर की तरफ था, मैं आप लोगों को बोल के आया था कि एक चर्च में लेके चलता हूँ, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन इतनी ख़तरनाक है और कैसे ये फॉरेस्ट वाले काम करते हैं वो हम कोशिश करेंगे आपको ग्राउंड जीरो से दिखाने की, जो जंगल में आग लगी है। ऐसी जगह पे मतलब पूरा रात भर चलना पड़ रहा होगा। बाप रे, ये देखो इतना पतला रास्ता है और से देखा है। आप अमा कब से यहाँ पे आग बुझा रहे हैं? मेरे को हो गया यहाँ पे 1.5 घंटे 2 घंटे है। ये पूरा आपने बनाया मतलब रास्ता है? यहाँ से लेकर वहाँ तक मेरे घर के पीछे तक जाके देखता। अच्छा जी, बहुत मेहनत हुई आप, सलाम आपको। पता था अगर यहाँ आग लग जाती उसकी फसल जलाएगी, मेरी फसल सारी खेतों में पड़ी है। यहाँ लोगों से भी ज्यादा कोई आए नहीं, कोई साथ देने नहीं आया, कोई नहीं आया मेरा साथ देने को। मैं अकेले यहाँ से लगी हूँ अकेले। आपने पानी पिया? पानी आप लोग पानी पियो पहले। आप रहने दीजिए, ढलान में तो चलना और ज्यादा टफ है यार। अच्छा हुआ मैं अपना ग्रिप वाले जूते पहन के आया हूँ, लेकिन तब भी देखिए हमारी इतनी ज़्यादा रेगुलर आदत नहीं होती है। हेलो जी साथी को, हेलो और बड़ों को प्रणाम, स्वागत है आप सभी का आप लोग के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और मैं भी काफ़ी सही हूँ। तो मैं आज आपको एक न्यू लोकेशन में लेके जा रहा हूँ और साथ में हम बात करने वाले हैं आसपास के विलेज वालों से, उनकी लाइफ स्टाइल भी समझेंगे सुनेंगे। और पहले ये जगह से मैं आपको वाकिफ करा देता हूँ, हालांकि हम काफ़ी टाइम इस जगह पे आपको लेके आए हैं। तो ये कैनाल सिस्टम अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया है बहुत पहले, मतलब 100 साल से भी पुराना है, और इसके बाद ही एक डेंस फॉरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा जहाँ पे साल सागा उनके जंगल है, साथ में टाइगर टेरिटरी और हाथी की भी आवाजाही चलते रहती है। अरे वाह, ये देखो ये आपको सबसे पहले बुलबुल बर्ड्स, और इसी के आगे मतलब जंगल में काफ़ी अंदर डीप है ना एक चर्च है, जो कि बताते हैं कि 1935 में बना हुआ था। 1935 आप समझ सकते हैं बहुत पुराना चर्च है, तो वहाँ तक हम जाने की कोशिश करेंगे। हालांकि बीच में बहुत बड़ा जंगल का पैच है और मैं ये राइड अकेले ही कर रहा हूँ, तो आप लोगों को लेके चलता हूँ। तो आज 2 व्हीलर से ही हम जाएंगे, तो यहाँ से हमारा फॉरेस्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो बने रहिए। अब बाकी ये हमारी 2 व्हीलर, तो हेलमेट डालते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो जी अब चलते हैं, स्कूटी स्टार्ट करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे आगे, और यहाँ से आगे फॉरेस्ट भी स्टार्ट हो जाता है। और जी यहाँ से आगे आगे पूरा जंगल स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी एंडिंग चल रही है कुछ विलेज, और इस ब्लॉग के लास्ट में ना पूरा ओवरव्यू भी बताऊंगा ये कौन सी लोकेशन है। फिलहाल आप ये सफ़र को देखते रहिए। ये देखिए बहुत खूबसूरत सा फॉरेस्ट है, और जो आप ये देख रहे हैं ना पक्की रोड, इसको बने हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लॉकडाउन के टाइम में ही ये पक्की रोड बनी है। और ये पूरा साल का फॉरेस्ट है, और ये जंगल मतलब जिम कॉर्बेट तक पूरा कनेक्टेड है। तो ऐसे आप देख रहे हैं अंदर फायरलैंड टाइप की बनी हुई है, तो जहाँ पे वन विभाग की गाड़ी जाती है, और वो काफ़ी अंदर जंगल ही जंगल बहुत आगे तक कनेक्टेड है। और आगे पे ये इको ब्रिज है, जो कि बनाने का मकसद तो ये था कि जानवर इसमें से क्रॉस कर सके, लेकिन अभी काफ़ी खस्ता हालत में है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिपेयर मांग रहा है। इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए,
इको ब्रिज का निर्माण, वन्य जीवों सरीसृप को सड़क दुर्घटना से बचने हेतु किया गया है। उक्त में किसी भी प्रकार के मानवीय हस्तक्षेप, इको ब्रिज में किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाना, चढ़ना और दंडनीय अपराध। तो हालांकि लगता तो यही है, लोग बागों ने भी चढ़ के इसको तोड़ा गया है। चलो बाकी भगवान जाने, हम निकलते हैं आगे की तरफ। खैर अभी हमें जहाँ जाना है उसके समीप काफी ज्यादा जंगल में आग लगी हुई है। हमें जाना है जहाँ पे वो धुआं उठ रहा है ना ऊपर, वहां तक जाना था अब। लेकिन यहाँ पे मतलब बहुत ही ज्यादा फॉरेस्ट फायर हुआ है, अब पता नहीं आगे कहाँ तक हम जा पाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा आगे जाके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये वो एरिया आ गया ना जहाँ पे हम नाइट ट्रैक कर रहे थे, एक दिन के मतलब 3-4 दिन ही हो रहे हैं। और स्पॉटेड डियर की अलार्म कॉल हो रही थी राइट की साइड से। और आजकल इतनी ज़्यादा फॉरेस्ट फायर हो गई है ना, तो जंगलों में मतलब बहुत ज़्यादा, तो लोगों को जाना भी नहीं चाहिए जंगलों में आजकल, खासकर फॉरेस्ट फायर सीजन के अंदर। ना कि ट्रैकिंग करने, ना कि कैंपिंग करने, किसी भी वजह से नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर आग लगती है ना, तो अगर आपको देखा जाता है तो आप दोषी माने जाएंगे और आपके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। और आपकी वजह से अगर जंगल में आग लगी तो एक बहुत कलंक की बात भी है और बहुत गलत बात भी है कि ऐसे आप जंगल को जला रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे वन्य जीव प्राणी रहते हैं और पेड़ पौधे हैं। कोशिश कीजिए मत जाइए, और लोगों को भी बोले कि ऐसे यार ट्रैक में विदाउट एनी परमिशन जाना मना है। तो ये आ गया गांव, लेकिन हमने देखिए काफी ज्यादा वापस है। और ये गांव का नाम है बसानी। और यहाँ से पहाड़ी इलाका भी स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसे करके आप एंड आएंगे। देखिए यार, जब ये जंगलों में आग देखते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि नेचर का सबसे खूबसूरत पार्ट जंगल है। और जंगलों में आग का मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान वन्य जीव प्राणी को और साथ में पेड़ पौधों को। देखो नीचे का एरिया भी दिख रहा है इसमें, अब पूरा साल का फॉरेस्ट है। और मौसम भी बहुत ज़्यादा गर्म है, और अभी भी मतलब गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। देखो यहाँ पे कितनी ज्यादा बड़ी लपटे उठ रही है। अब पूरा धुआं धुआं हो रहा है, तो पूरा धुआं मैं भी फील कर रहा हूँ और मैं भी इनहेल कर रहा हूँ। हर साल उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी समस्या आग लगना, और बहुत सारा जंगल ऐसे समाप्त हो रहा है। तो अभी यहाँ पे इतनी ज़्यादा आग लगी हुई है और फॉरेस्ट की टीम भी आग बुझाने के लिए आई है, लेकिन ये बहुत बड़ी सरदर्दी है, लोगों के द्वारा ही लग रही होगी आग, क्या कारण है? अभी ऊपर बुझा के आए ना, इसीलिए इधर लोगों द्वारा आग लगा दी गई है। मतलब इंसान ही जला रहा है इसको, और तो कोई कारण नहीं हुआ। जब इतना नुकसान देखते तब भी समझते क्यों नहीं होता? नहीं है, सुबह 6 बजे के गए हुए हैं। अच्छा, ऊपर लगाई बुझाई है, अब इधर सूचना आई तो इधर आ गए, गई है टीम अभी वहाँ। ये तो बहुत ज़्यादा आगे लगे, आधी टीम हमारी ऊपर है नाइसिला में, यहाँ नाइसिला बुझा के यहाँ आ गई है आधी टीम, आधी अब हम पहुँच गए। तो क्या रहता है आपके पास बुझाने के लिए? कुछ रहता है? कुछ नहीं है। क्या है? झाड़ू, कुछ भी झाड़ू जो ये झाड़ू के हिसाब से पता नहीं रहता है। उसमें
ढंगारी की है ऊपर से। तो यहाँ तो काफी जानवर भी हुए, जीव जंतु सभी हुआ, टाइगर भी है, लेपर्ड भी है, सभी है। तो जी अभी ये है कि आग इतनी ज्यादा फैल गई ना, मतलब यहाँ से बुझाते हुए आए, और सबका कहना है कि पहाड़ों से पूरी आग बुझाते हुए जा रहे हैं, और अभी पैदल चल रहे हैं। और लेकिन कई मतलब सब लोगों ने तो मतलब कल रात से ही ड्यूटी में, कुछ खाने को भी नहीं मिला है, और पैदल कितना चले होंगे सर? 12 किलोमीटर। और कोई मतलब इक्विपमेंट भी नहीं आपके पास कि जिससे इतनी भारी आग जले? मतलब क्या है हमारे पास? और आपके लिए भी मतलब ऐसे तो काफी डेंजरस सिचुएशन है सांस लेने में भी, मतलब इतनी भारी आग है। अभी जाना तो हमें ऊपर की तरफ था, मैं आप लोगों को बोल के आया था कि एक चर्च में लेके चलता हूँ, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन इतनी ख़तरनाक है, और कैसे ये फॉरेस्ट वाले काम करते हैं वो हम कोशिश करेंगे आपको ग्राउंड जीरो से दिखाने की, जो जंगल में आग लगी है। ये देखिए, ये तो कंट्रोल करती है, इसके अलावा अभी जहाँ पे बहुत ज़्यादा आग है वहाँ हम जा रहे हैं। ये वही पार्टी वार्टी वाले होंगे शायद, अभी तो कोई आना ही नहीं चाहिए, सबका चालान कटना चाहिए ना इस टाइम। सही बात है, यहाँ पे बहुत आ गया, यहाँ पे बहुत ज्यादा आ गया भाई। ये देखो कितनी ज्यादा आग यहाँ पे। ये लास्ट हो गया, हाँ ठीक है, वहाँ से इसको पकड़ के वहाँ मिलाएंगे, तब जाके बंद ना पड़े, उधर को नहीं पड़ेगी, और नदी से उस पार भी ना जाए, नदी से उस पार, नदी से उस पार तो नहीं जाएगी, नाले पे मिलाई जाती है, नाले पर मिलाई, नाले बटिया खलंजा जैसे है ये, इसलिए हमने छोड़ दिया है। आदमी तो ऐसी जगह पे मतलब पूरा रात भर चलना पड़ रहा होगा, बाप रे। ये देखो इतना पतला रास्ता है, और से देखा है नहर तो अभी नहीं होगी ना, क्या नहर की सीधे आ जाएगी, नहर नहीं आ जाएगी यहाँ पर, तो नहर नहर से लग रहा है कि जहाँ पे पानी आता है वहाँ पे तो आबू आ जाएगी, हाँ नहीं आ जाएगी खाली नहर नहर में ही, हाँ ये तो गांव गांव पे आ गए, आ गए खड़ंजे पे, हां खड़ंजे पे रुक जाएगी, तो नाला हो गया, हां खड़ंजे पे रुक जाएगी, ऐसा यार उसमें तो कहां है खड़ंजे रुक पुराना, बस खड़ंजे झाड़ेंगे तो उसी में रुक सकता है। हां भैया यहीं गांव में रहते हैं, क्या कारण हो गया इस आग का, क्या लगता है आपको? सर बताइए कब से लगी है, बहुत दिनों से लगी है,
पर निकाली भड़क से लगी थी। अच्छा, बहुत दिनों से लगी है, 3-4 दिन हो गए ना इस पे आपको। मतलब कोई बाहर वाला जलाता है या फिर क्या? जंगल में कौन देखेंगे सर, यहाँ से वो पारो उधर लगी है वो आग। हाँ, अब गाड़ी से कोई चलते चलते फेंक देगा। लकड़ी नीचे आ गई यार, वो तो कह रहा हूँ आपके खेत तक आई है। अब यार घर में सब दिन में काम में भी रहते हैं, फसल है वहीं पे आग लगी है पूरी, तो ये ऐसा असली हो रही है जो कि आग बुझाने जा रहे हैं। तो जो ऊपर से आग आ रही है उसको बंद करेंगे, नीचे ना आए क्योंकि यहाँ पे पूरे गांव है और यहाँ पे कोई लिंक नहीं है रोड का, पैदल रास्ता है बस। मेन आग वहां पे है, ये अम्मा बुझा रही अकेले यहाँ पे। वही तो कह रहा हूँ, बुजुर्गों का खासकर। चल मैं फंस गया वहाँ अकेले। यही साधन हुए हैं बस, खोदी लकड़ी और घास इकट्ठा करके डंडे से आग बुझाना। और यहाँ पे एक अम्मा मशीन दे रखी है। आप अम्मा कब से यहाँ पे आग बुझा रहे हैं? मेरे को हो गया यहाँ पे 1.5 घंटे 2 घंटे है। ये पूरा आपने बनाया मतलब रास्ता है यहाँ से लेकर वहाँ तक, मेरे घर के पीछे तक जाके देखता हूँ। अच्छा जी, बहुत मेहनत हुई आप, सलाम आपको। पता था अगर यहाँ आग लग जाएगी उसकी फसल जल जाएगी, मेरी फसल सारी खेतों में पड़ी है। यहाँ लोगों से भी ज्यादा कोई आए नहीं, कोई साथ देने नहीं आया, कोई नहीं आया मेरा साथ देने को। मैं अकेले यहाँ से लगी हूँ अकेले। आपने पानी पिया? पानी लो, पानी पियो पहले। आप रहने दीजिए, होगा उतना ठंडा नहीं है। देखो मैंने तो अपनी बचत तो करनी है भाई, मैं तो घर पे कोई बच्चा भी नहीं है ना इस टाइम पे। खेत में मैंने मजदूर लगा रखे हैं खेती को। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आराम कीजिए। अब यार अम्मा ने ये पूरा आग को कंट्रोल किया हुआ है तब तक। और कुछ भी साधन नहीं करा, तो यहाँ पे पूरा मोर्चा अम्मा ने अकेले संभाल रखा था। है इसका आप एक उपाय, हमारा एक पैटर्न ही है सर। हाँ देखिए, अब हम क्या करेंगे, दो कहेंगे कि ये आग लगा रहे हैं जंगलात वाले, अब हम इसको ये देखेंगे, ये करेंगे इससे दिन मिल जाएगा। अच्छा, अभी उससे मिल जाएगा, बूझ जाएगा। देखो लेकिन उसके लिए पहले ऐसा रास्ता बनाना जरूरी है, झाड़ना जरूरी है। हाँ नीचे की तरफ नहीं आएगा इससे। यहाँ झाड़ दिया है। हाँ यहाँ देखो, यहाँ बस पत्ते नहीं होने चाहिए किसी भी प्रकार से, बस पत्ते नहीं होने। हाँ
अरे नाला है, नाला। कल से ये लोग ऊपर ड्यूटी में थे सब, पूरी रात से कर रहे हैं मेहनत। इनने तो पानी खाना कुछ नहीं खाया, इनके लिए भी समस्या है। अभी समस्या ये है कि हवा आ गई बहुत तेज। तो अब ये उस साइड से जो आग आ रही थी उससे मिलके बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी, और देखिए मतलब होने भी लग गया वैसा। तो अब जाके फाइनली आग और नाले के साइड में आएगी। तो जी काफ़ी देर ये आग को बुझाने में लगी, काफ़ी कंट्रोल करने में टाइम लगा, और उसके बाद अभी तो जो बाकी लोग थे वो यहीं पे इंतज़ार करेंगे आग का बुझने का, और बाकी उनकी टीम भी आ रही है, जहाँ जहाँ आग लगी होगी वो चलते रहेंगे रात भर। लेकिन मैं अभी चल रहा हूँ और स्कूटी भी मेरी वहीं खड़ी है, और वहाँ तक ये सफ़र अकेले ही करना है घने जंगल से होते हुए। लेकिन यार सबसे विनती है कि मतलब ऐसे ना, मतलब अगर आप लोग देखें कहीं ऐसी जगह पर जाते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो यार उसको ना अपने पास अपनी गाड़ी के अंदर ही बुझाएं, उसको फेंके ना कि यार रोड है कुछ नहीं होगा, ऐसे करके ना हवा से, एक हल्की हवा से अगर वो फैल गए ना तो एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये आग आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। और इन सबसे जब बात हुई ना मेरी फॉरेस्ट वालों से, तो यार सुबह से कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, और उनका कहना था कि उनको खाने के लिए भी चीज़ें नहीं मिल पाती है। हेलो, क्या नाम है आपका? हैं? सौरिया। सौरिया? हाँ। क्या कर रहे हो, बकरी चरा रहे हो? कैसे चराओगे, बुलाओ उन्हें, ले जाओ, चलो। तो ये है, पूरा अच्छा बजट भी मिलना चाहिए, इतनी जब मेहनत कर रहे हैं ना ग्राउंड वाले, खासकर जो ग्राउंड जीरो पे काम करता है उनके लिए जो सुविधा हो सके ना वो सुविधा करनी चाहिए, क्योंकि यही हमारे एकदम अग्रिम कर्मचारी है जो आगों को बुझाते हैं, और सारी सुविधाएं इन लोगों के लिए होनी चाहिए, लेकिन होता इसका अपोजिट है। ये बादा होगा ना कुत्ता, बादा है, बादा। चलो बाय बाय। तो यार अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से और बस पहुँचते हैं
और ये रास्ता देखिए जहाँ से हम आए थे। ढलान में तो चलना और ज़्यादा टफ है यार। अच्छा हुआ मैं अपना ग्रिप वाले जूते पहन के आया हूँ, लेकिन तब भी देखिए हमारी इतनी ज़्यादा रेगुलर आदत नहीं होती है। पहले तो चलता था मैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रैक किए हैं, लेकिन काफ़ी टाइम से ऐसे चलना बंद हो गया है। ये देखिए इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है यहाँ जंगलों में, आग ही आग। और ये पेड़ में देखिए और ये देखो ये पेड़ पूरा दहक रहा है, जल रहा है, सूखा था इसलिए इसमें आग पकड़ गई है। तो एकदम आप समझ सकते हैं क्या मंजर रहता होगा और किस सिचुएशन में यहाँ फॉरेस्ट वाले काम करते हैं। और ये वन्य जीव क्षेत्र है, तो ऐसे रास्तों में जाना पड़ता है और जंगल में आग कहीं भी हो सकती है। और ये नाले है ना, अब यहाँ पे कंट्रोल हो जाएगी, मेन थी ऊपर वाली बुझानी, तो वहाँ तक वो पहुँच गए और बाकी जगह उनकी टीम पहुँची हुई है, लेकिन उनका पूरा टारगेट अभी यहीं रहेगा कई दिनों तक, जब तक ये आगों पे कंट्रोल ना कर पाए। और पेड़ चढ़कने की आवाज़ आ रही है, पेड़ टूट रहे हैं। ये देखो जंगली के मुर्गे उड़ के गए। अब सिचुएशन ये है ना कि मतलब थोड़ा खतरा तो है मेरे लिए भी, क्योंकि आग लगी है जंगली जानवर का भी हुआ ही। तो ये मैंने आपको दिखाई है ग्राउंड जीरो की सिचुएशन। तो क्या होता है ग्राउंड जीरो में जब आग लगती है किसी इंसान की गलती से, तो कैसे जंगल धधकता है और उसके पीछे कितने लोग काम करते हैं रातों रात बिना खाए पैदल बदहवास हालत में जंगलों में घने जंगलों में। तो मैं अभी आपको उस जगह पे तो नहीं ले के जा पाया जो चर्च में आपको बता रहा था, क्योंकि टाइम भी अभी काफ़ी कम है। तो बाकी वो मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि ये काफ़ी वैसे ही लंबा व्लॉग हो गया होगा।
तो आप चलते हैं उस जगह पे और वहाँ आपको ग्राउंड जीरो से आपको लोकेशन दिखाते हैं।